देश भर तो लोग हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शनों लिए आते हैं। ये लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों लिए बस, रेल, हवाई जहाज़ से निजी वाहनों लिए राही सफ़र कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में एक अजिही संस्था है जो पिछले 23 सालों तो लगातार साइकिलों से माता वैष्णो देवी के दर्शनों लिए जा रहे हैं। अज ये जत्था मध्य प्रदेश तो चल के वख-वख सूबों तो हुंदा होया पठानकोट पहुंचा, जिथे शिव सेवक वेलफेयर सोसायटी के मैंबर वालों इन्हों सिरोपा पा के स्वागत किया गया। शिव सेवा वेलफेयर सोसायटी ने प्रधान सतीश महाजन ने दसिया कि वह पिछले कई सालों तो अमरनाथ यात्रियों लिए लंगर लगा रहे हैं। सावन महीने में यह जत्था हर साल मध्य प्रदेश तो वैष्णो माता के दर्शनों लिए आता है। उन्होंने दसिया कि यह जत्था काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए साइकिलों से लंबा सफर तय करने तो बाद अज पठानकोट पहुंचे। शिव सेवक वेलफेयर सोसायटी श्री अमरनाथ लंगर कमेटी वालों चल रहा 18वां भंडारा जम्मू जलंधर नैशनल हाईवे के उत्ते अज 29वें दिन च प्रवेश किया। हर साल सावन महीने MP तो चल के ये जत्था जिहड़ा अज 23 साल हो गए ना, इन्हां नूं 18 साल हो गए ना मेरे को आंदे और 23 साल हो गए ना यात्रा करते और हर साल मेरे को आंदे ना और ये विश्राम भी करते ना, भोजन भी करते ना और जा माता राणी के जयकारे लगाते माता राणी के दरबार में जाते ना। मैं इन्हों की यात्रा की मनोकामना करना और इन्हों जो लीडर ने इन्हों महामाई का सरोपा पहना के सम्मानित किया। यात्रा जगदीश उस्ताद द्वारा आरंभ हुई माँ विष्णु रानी की, उसके बाद में यात्रा में कुछ सभी बंदे लगभग चलते रहे। उस्ताद का स्वर्गवास हो चुका है और हम सभी साइकिलों पर ही चलते हैं और जितने भी लंगर है लंगर लेते हुए चले आते हैं और बाबा जी के यहाँ लंगर में भी आनंद से लेते करते हैं, विश्राम करते सुबह निकल जाते हैं। यात्रा को 23वां वर्ष है और मेरे खुद को आते आते 13वां वर्ष है। हर साल आते हैं माता जी के दर्शन के लिए, यहाँ पर बाबा जी के यहाँ पर रुक के भोजन वगैरह प्रसादी वगैरह लेते हैं और यहाँ पर लंगर में रुक के यहाँ पर आराम विश्राम भी करते हैं हम सब, और सब साथ में आगे बढ़ते हैं माता जी के दर्शन के लिए।